दोस्तों क्या जानते हैं पृथ्वी और बादल के बीच कितनी दूरी है? पृथ्वी की सतह पर रहकर जिस बादल को हम देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो बादल पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं? सामान्यतः तो बादल की पृथ्वी की सतह से 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर सौरमंडल में पाए जाते हैं। बादल तीन स्तर पर बनते हैं। सबसे ऊपर सबसे बादल होते हैं, धरती से 73 से 75 हज़ार फीट के ऊपर होते हैं। इसके बाद बीच वाले यानी कि मध्यम स्तर पर बादल 58 से 60 हज़ार फीट पर होता है, जबकि निम्न स्तर पर बादल 1000 से 30 हज़ार फीट पर बनते हैं। प्रभाव बादल सबसे पहले अधिक ऊंचाई पर लघु हिमकरणों द्वारा निर्मित उच्च मेघ या बादल होते हैं दोस्तों, जो प्रायः छिद्राय रूप से रेशम की तरह खिलते हैं। लेकिन बादलों का रहस्य आपको नहीं पता होगा दोस्तों। बादल जैसे ही आसमान से बाहर निकलते हैं तो दोस्तों कैसा कैसा होता है दोस्तों, चक्रवात होता है दोस्तों। चक्रवात आ जाता है और चक्रवात से लड़ने के लिए बादल एकदम बढ़िया तरीके से दोस्तों, चक्रवात से भी लड़ सकता है बादल। और बादल देवता तो आपको पता ही दोस्तों क्या चमत्कारी आती है दोस्तों, और बिजली की रफ्तार से आते हैं वो बिल्कुल नहीं घबराते दोस्तों। और बादलों की रफ्तार तो आपको पता ही है वो, हाँ जब भी बारिश आती है तो बादल किस तरह से हमारे पृथ्वी को ढेर तरह कर सकते हैं दोस्तों। और बारिश तो बिल्कुल नहीं छोड़ती हमारे पृथ्वी को, जब भी बारिश होती है तो देख सकते हैं पृथ्वी पर कितना ज़्यादा अच्छी कहाँ पे, लेकिन ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बादल में बहुत ज़्यादा बारिश समा सकती है दोस्तों। आपको पता ही काले बादल तो बिल्कुल हमारे लिए वरदान है लोगों दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी सब भी हो जाता है दोस्तों। लेकिन आपको ये सफ़ेद बादल देखने को मिले थे, सफ़ेद बादल जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं दोस्तों। और इसमें कुछ बादल होते हैं जो नए ताज़े ताज़े होते हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों को शायद ही पता होगा। जो ताज़े बादल होते हैं वो इंसानों को ज़्यादा लेके बहुत ज़्यादा हेल्दी है दोस्तों। और ऐसी सूरज की रोशनी में ही दिखाई देती है, यानी कि सूरज की रोशनी में हमें विटामिन डी भी मिल जाता है दोस्तों। और आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताइएगा दोस्तों। और आप कौन से बादल को ज़्यादा पसंद करते हैं? बादल अपना रूप भी पसंद करते हैं दोस्तों। बादल को आप देख सकते हैं अलग अलग रूप में आते हैं दोस्तों, और इसका आकार कैसे निर्मित होता है उसके बारे में तो आपको पता ही नहीं होगा। इसके आकार कभी आपको बता दीजिए दोस्तों कि एक वायु है दोस्तों जो कि हमारे साथ मिलती जाती है दोस्तों, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तंत्र तत्व के साथ मिलती जाती है दोस्तों। खोज में पाया गया है कि दोस्तों आप देख सकते हैं समुद्र में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मिलने वाले दोस्तों बादल, और यहाँ से ही बादल का सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। जो वहाँ पर जो माउंटेन होते हैं, माउंटेन से ही जो कि हवा निकलती है, गर्म हवा ठंडी हवा को और समुद्र के ठंडी हवा मिलती है, उससे बादल उत्पादन होते जाता है दोस्तों। और उनसे ही उनका आकार निश्चित होता है, क्योंकि वहाँ पे जितनी हवा फैलती है उतने ही आकार का बादल का रंग निकलता है दोस्तों, और वही अपना शेप लेता है। और शाम को तो एक बिल्कुल बढ़िया तरीके से बादल दिखते हैं दोस्तों। और शाम को आप चाहते हो कि बादल कहाँ चले जाते हैं, लेकिन शाम को बादल कहीं नहीं चले जाते और उनका आकार भी नहीं बदल जाता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उनका रंग बदल गया है, वो हरे केसरी रंग के देखने के लिए मिल जाते हैं। और कुछ जगह पर तो वहाँ पर पूरा घट कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि सूरज डूबता है तो वहाँ पर बादल का रंग चेंज होता है। लेकिन बादल का रंग तो कुछ है नहीं दोस्तों, उसका रंग सफ़ेद ही है और वो हमेशा सफ़ेद ही रहेंगे। बारिश में आते ही वो काले दिखने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें पानी भर जाता है, और पानी के लिए ही वो काला हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पानी का कोई रंग नहीं है दोस्तों। आप लोगों को पता ही होगा कि पानी का कोई रंग नहीं है, लेकिन वो हमेशा काला की तरह दिखता है। इसलिए वह बादलों में सब बादल सफ़ेद है और उसमें भीड़ जाता है तो वो काले हो जाते हैं। और वहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बिजली भी आ जाती है, और बिजली की वजह से ही बिल्कुल काले देखने को मिलते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। और इसी बादलों की जानकारी सबसे पहले मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों।